बिहार के मोकापा से बाहुबली विधायक अनंत सिंह को दोषी करार दिया गया है। 2019 में लदवान गांव स्थित उनके पैतृक आवास से AK-47, 33 जिंदा कारतूस और 2 हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए थे। इस मामले में पटना की MP/MLA कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई पूरी कर ली थी। अदालत अब 21 जून को अनंत सिंह के खिलाफ सजा का ऐलान करेगी। अनंत सिंह फिलहाल पटना की बेऊर जेल में बंद है। विशेष जज त्रिलोकी दुबे ने उन्हें मंगलवार को दोषी करार दिया और इस मामले को विशेष कांड की श्रेणी में रखा है। उन्होंने सजा की तारीख 21 जून मुकम्मल की है। इस मामले में 15 अक्टूबर 2020 को अनंत सिंह और पैतृक आवास के केयर टेकर के खिलाफ आरोप तय किए गए थे, लेकिन अब इस केस में फैसले की घड़ी आ गई है। बाढ़ जिले की तत्कालीन ASP लिपि सिंह ने दावा किया था कि उनके पास हथियारों की तस्करी की पुख्ता सूचना है। इसके बाद पुलिस ने अनंत सिंह के घर पर छापेमारी की थी। करीब 11 घंटे तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद उनके पैतृक आवास से AK-47 जिंदा कारतूस और हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए थे। जानकारी के मुताबिक सुबह 4 बजे पुलिस ने अनंत सिंह के आवास पर छापा मारा था। छापेमारी के बाद बिहार पुलिस ने अनंत सिंह के पैतृक आवास के केयर टेकर को गिरफ्तार कर लिया था। इसकी सूचना मिलते ही बाहुबली विधायक अनंत सिंह फरार हो गए थे। हालांकि 3 से 4 दिन बाद उन्होंने दिल्ली के साकेत कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। इसके बाद बिहार पुलिस उन्हें बाढ़ ले गई थी। वह 2019 से ही पुलिस की गिरफ्त में है। इस आपराधिक कांड को लेकर बिहार सरकार ने विशेष कांड की श्रेणी में रखा है और इस मामले में आरोपी के खिलाफ ट्रायल के लिए विशेष लोक अभियोजक को नियुक्त किया गया है। इस कांड का स्पीडी ट्रायल चलाया गया है। इस कांड का अनुसंधान बाढ़ अनुमंडल की तत्कालीन ASP लिपि सिंह ने किया था और विधायक आनंद कुमार सिंह को और केयरटेकर सुनील राम के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दायर की गई थी। गौरतलब है कि पटना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर विधायक अनंत कुमार सिंह के पैतृक घर बाढ़ थाना के लदवान गांव में काफी पुलिस बल के साथ छापेमारी 16 अगस्त 2019 को की थी। पुलिस ने छापेमारी में विधायक के पुश्तैनी घर से प्रतिबंधित हथियार AK-47, 33 जिंदा कारतूस और 2 ग्रेनेड बरामदगी को लेकर FIR दर्ज किया था। बाढ़ थानाध्यक्ष सूचक बनकर FIR दर्ज किया था। इस कांड का अनुसंधान तत्कालीन ASP लिपि सिंह ने किया था। इस कांड में पटना पुलिस मोकापा विधायक अनंत सिंह को गिरफ्तार करने के लिए लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया था। फरार चल रहे मोकापा विधायक ने दिल्ली के साकेत कोर्ट में अगस्त में सरेंडर किया था। इसके बाद पटना पुलिस ने विधायक अनंत सिंह को दिल्ली से ट्रांजिट रिमांड लेकर पटना के कोर्ट में पेश किया था। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।